हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स। जनवरी से लेके अक्टूबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट रैंकिंग और रिपोर्ट्स होगी सब इस लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट होगा। दो पार्ट में इस वीडियो को कवर किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसीलिए इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वॉट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है अभी रिसेंटली, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है ये पूछिए। तो इंडिया की रैंकिंग है 105। ये 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज में से 105 इंडिया की रैंकिंग है, और इस वजह से इंडिया को सीरियस कैटेगरी में डाला गया है। अब सीरियस कैटेगरीज में 42 और कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी आती हैं, और जो दूसरी साउथ एशियन नेबर्स हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जो है, उनके स्कोर्स अच्छे हैं, इसलिए उन्हें मॉडरेट कैटेगरी में डाला गया है। ये 19th एडिशन था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 19th एडिशन था। इसे पब्लिश किया था आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन एड एजेंसी वेल्ट हंगर लाइफ, ये दोनों ने मिलके इसे पब्लिश किया था। इंडिया हैज ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन इन एशिया एज पर 2024 एडिशन ऑफ एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार ये इंडिया का जो थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन बना है एशिया में, तो इंडिया ने कौन सी कंट्री को पीछे छोड़ के थर्ड पावरफुल नेशन बनी है ये पूछा है। तो इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ा है, जापान को सरपास करके थर्ड पे आ गई है, थर्ड पोजीशन पे आ गई है। तो फर्स्ट और सेकंड पे है यूएस और सेकंड पे है चाइना। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो इंडिया की रैंक है 39th पोजीशन पे, और ये याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये इंडेक्स रिलीज करता है। फर्स्ट पोजीशन पे है यूएस, सेकेंड पे स्पेन, थर्ड पे जापान। इंडिया के पोजीशन है 39th। वॉट इज इंडियाज रैंक इन जनरेटिव ए आई इनोवेशन? तो इंडिया की रैंक रही है 5th, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है चाइना, सेकेंड पे यूएस, थर्ड पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फोर्थ पे जापान एंड 5th पे इंडिया। कितने पेटेंट्स हैं वो भी देख लेना, 38,210, और इंडिया के हैं 1,350 पेटेंट्स। वॉट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024? तो इंडिया की रैंक रही है 116th। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा, और ये 163 कंट्रीज का टोटल इवेल्युएशन होता है। मोस्ट पीसफुल कंट्रीज जो है वो है आइसलैंड, जो टॉप पे रहा है मोस्ट पीसफुल कंट्री में सिंस 2008, और उसके बाद सेकंड पे रहेंगे आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर। लीस्ट पीसफुल कंट्री रही है यमन, और फॉलो किया है सूडान, साउथ सूडान, अफगानिस्तान एंड यूक्रेन। अब फर्स्ट पे देखो आइसलैंड, सेकंड पे आयरलैंड, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया। याद रखना ये भी पूछे जाते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप पे कौन रहा है, वो रहा आइसलैंड, और अगर लीस्ट पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा यमन। हु टॉप्स दी हुरून इंडिया अंडर 35 लिस्ट 2024? तो ये टॉप किया है अंकुश सचदेवा ने। अंकुश सचदेवा जो है वो शेयर चैट के सीईओ हैं। चलिए हुरून इंडिया अंडर 35 की जो लिस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हुरून इंडिया अंडर 35 लिस्ट जो है 2024 की, वो इंडिया के जो यंग एंटरप्रेन्योरल टैलेंट हैं, जैसे कि जिनकी भी अचीवमेंट्स हैं इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 150 एंटरप्रेनर्स जिनकी एज 35 या 35 से कम है, तो वो एंटरप्रेनर की लिस्टिंग की जाती है। अब इसमें यंगेस्ट वुमेन कौन सी है लिस्ट में, वो है ईशा अंबानी जो 32 इयर्स की है, रिलायंस रिटेल से हैं, और पारिता पारेख जो भी 32 इयर्स के हैं, टॉडल एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। टॉप किया है अंकुश सचदेवा ने, ये आईआईटी कानपुर ग्रेजुएट है और सीईओ है शेयर चैट के, और इन्हें फॉलो कर रहे हैं नीतीश शारदा और हर्ष बिनानी जो कि को फाउंडर है स्मार्ट बॉक्स के। वॉट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? तो इंडिया की रैंक रही है 39th, 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39th पोजीशन में रहा है इंडिया।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया की जो पोजीशन है वो 39th पोजीशन रही है अमंग 133 ग्लोबल इकोनॉमीज में, और ये अनाउंस किया है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। इंडिया जो है वो फर्स्ट पे रैंक कर रही है अमंग 10 इकोनॉमीज, जो कि सेंट्रल और सदर्न एशियन रीजन है उसमें इंडिया टॉप पे है, और जो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज है उसमें भी इंडिया टॉप पे है। इंडिया का रैंक फर्स्ट रहा है सेंट्रल और सदर्न एशियन और लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में, और फोर्थ पे रहा है WIPO साइंस एंड टेक क्लस्टर रैंकिंग में। इंडिया का रैंक सेवेंथ रहा है ग्लोबली इन इनटेंजिबल एसेट इंटेंसिटी में, और ग्लोबल परफॉर्मेंस अगर देखें, ग्लोबल परफॉर्मेंस का ओवरव्यू लें तो सेंट्रल और सदर्न एशिया में इंडिया ओवरऑल तो 39th है, लेकिन सेंट्रल और सदर्न एशिया में लीड कर रहा है। और सेकेंड जो है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, थर्ड पे कजाकिस्तान और उज़बेकिस्तान, फोर्थ पे है। ग्लोबल रैंकिंग देखेंगे तो फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड, सेकेंड स्वीडन, थर्ड पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वॉट इज इंडियाज रैंक इन IMD's वर्ल्ड टैलेंट रैंक 2024? तो इंडिया की रैंक रही है 58th पोजिशन पे। लग्जमबर्ग सॉरी स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है, सेकेंड पे सिंगापुर एंड थर्ड पे लग्जमबर्ग। IMD ने टोटल 67 इकोनॉमीज का रैंकिंग की है। IMD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जो कि डेवलपिंग लीडर्स है ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है प्रॉस्परस सस्टेनेबल और इंक्लूसिव वर्ल्ड बनने के लिए, उसकी रैंकिंग उन कंट्रीज की रैंकिंग दी जाती है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, अपील एंड रेडीनेस पे। विद स्टेट सिक्योर फर्स्ट पोजिशन इन दी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024, तो ये है केरला ने टॉप किया है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में। अब ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज की जाती है FSSAI ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 में, इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। अब ये पांच सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेलेंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कंज्यूमर एम्पावरमेंट। इस इंडेक्स 2023 के इंडेक्स से एक नया पैरामीटर और ज्वाइन हुआ है, वो है इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक, इसे भी ऐड कर दिया गया है। और टॉप थ्री जो परफॉर्मिंग स्टेट है वो है केरला, तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर। विच स्टेट टॉप्स द लिस्ट ऑफ हैविंग आयुष डॉक्टर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इन इंडिया? ये किया है मध्य प्रदेश ने टॉप, जिसमें आयुष डॉक्टर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में सबसे ज्यादा है। अब ये जो रिपोर्ट है ये हेल्थ एंड डायनामिक्स ऑफ इंडिया ने रिवील किया है कि जो मध्य प्रदेश ने टॉप किया है आयुष डॉक्टर में, आयुष के फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिगपा एंड होम्योपैथी। ये जो आयुष डॉक्टर की फैसिलिटी है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। अब ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर अफेयर्स द्वारा। अब ये एनुअल रिपोर्ट होती है जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया के बारे में डिस्क्राइब करती है। आयुष डॉक्टर्स फैसिलिटी जो है 328 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं मध्य प्रदेश में, जो कि अर्बन एरियाज में है, और ट्राइबल पॉकेट स्टेट में 228 प्राइमरी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। टॉप परफॉर्मर्स देखते हैं, टॉप परफॉर्मर विद PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं महाराष्ट्र में 906 हैं। टॉप थ्री स्टेट्स जिसमें आयुष डॉक्टर्स हैं ट्राइबल पॉकेट में वो है ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। टॉप थ्री स्टेट्स जिस जो कि नंबर ऑफ सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हिसाब से डिवाइडेड है वो सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। टॉप स्टेट्स जो कि कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं सबसे ज्यादा जहाँ पे वो है उत्तर प्रदेश 939 है, राजस्थान 650 है एंड गुजरात 350 है। इन विच ईयर इंडिया हैज बीन प्लेस्ड इन दी ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन? तो इंडिया टीयर वन में आ चुका है, इंडिया ने जंप कर लिया पोजीशन टीयर वन में ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 की इंडेक्स में, जो कि रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा। और इंडिया एक रोल मॉडल पार्ट बन गया है, क्योंकि कंट्री का साइबर सिक्योरिटी कमिटमेंट्स और रिजल्टिंग इम्पैक्ट्स बहुत अच्छे थे। अब इसमें पांच असेसमेंट होते हैं, लीगल मेजर्स होता है, टेक्निकल,
ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, ये पांचों पिलर्स होते हैं, उसके बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इसलिए उसे टीयर वन कैटेगरी में डाल दिया गया है। और टीयर वन कैटेगरी में 47 कंट्रीज हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, इजिप्ट, यूएस, आइसलैंड, ग्रीस, स्वीडन, पोर्चुगल, कतर, नॉर्वे, टर्की, यूके और दूसरी भी अदर कंट्रीज है जो कि टीयर वन में आई है। 47 कंट्रीज में इंडिया की भी रैंकिंग है और टोटल 5 टीयर हैं इसमें, ये याद रखना। वो बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू अमास अ स्टैगरिंग 1 मिलियन फॉलोअर्स अक्रॉस वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। 1 बिलियन क्रॉस करने वाले पहले पर्सन बने हैं जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 1 बिलियन का फॉलोअर्स क्रॉस किया है, तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। विच कंपनी टॉप्स द लिस्ट ऑफ टाइम्स वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024? इसमें टॉप किया है एप्पल ने, एप्पल यूएस की कंपनी है, यहाँ पे टॉप 5 कंपनीज के नाम लिखे हैं। फर्स्ट पे एप्पल, सेकेंड एसेंचर, थर्ड माइक्रोसॉफ्ट, फोर्थ बीएमडब्ल्यू ग्रुप एंड फिफ्थ अमेजोन, जो कि आप ये भी याद रखना है इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। इंडियन कंपनीज की रैंकिंग देखते हैं, एचसीएल टेक जो है उसने लीड किया है इंडियन कंपनीज में, उसकी पोजिशन है 112, इन्फोसिस की है 119, विप्रो की 134, अदानी ग्रुप ने किया है उसकी रैंकिंग है 736, एंड रिलायंस इंडस्ट्री जो कि मुकेश अंबानी द्वारा लेड की गई है उसकी पोजिशन है 646 पोजिशन पे है। विच कंट्री इज क्राउन्ड एज बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो ये है स्विट्जरलैंड। अभी एक न्यू सर्वे हुआ है जिसका नाम था बेस्ट कंट्रीज फॉर 2024, उसमें ये पाया गया है कि जो स्विट्जरलैंड है वो बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। अब इसकी जो सर्वे का जो फीचर्स था कि क्या क्या कैटेगरीज इंक्लूडेड थी, वो थी एडवेंचर, एजिलिटी, हेरिटेज, एंटरप्रेन्योरशिप, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कल्चरल पर्पस, इस बेसिस पे कंट्रीज को चूज किया गया है, रैंकिंग दी गई है। तो स्विट्जरलैंड के बाद जो है वो जापान, यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, इन्हें रैंकिंग मिली है। इंडिया की जो रैंक है वो 3 पोजीशन गिर गई है पिछले साल से, अब पोजीशन हो गई है 33। विच इंस्टीट्यूट रैंक्स नंबर 1 ग्लोबली फॉर नेटवर्किंग इन लिंक्डइन एमबीए 2024? तो ये है आईआईएफटी। आईआईएफटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। अब आईआईएफटी वर्ल्ड वर्ल्ड प्रोग्राम में टॉप 100 एमबीए में इसकी रैंकिंग है 51st पोजीशन में। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? वो है श्री पीयूष गोयल। अगर ग्लोबल एमबीए रैंकिंग देखा जाए तो उसमें स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस ने टॉप किया हुआ है, और यूएस की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से टॉप 8 में यूएस की यूनिवर्सिटीज आती हैं। विच सिटी इमर्ज एज द न्यू बिलेनियर कैपिटल ऑफ एशिया एज पर द हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024? अब हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के हिसाब से बिलेनियर कैपिटल ऑफ एशिया कौन सी सिटी बनी है? तो ये बनी है मुंबई। मुंबई ने सरपास किया है बीजिंग को इन टर्म्स ऑफ बिलेनियर्स, और टाइटल ले लिया है एशिया बिलेनियर एपिसेंटर का। मुंबई में 386 बिलेनियर्स हैं जो कि 58 इंक्रीज हो गए हैं, और बीजिंग में 91 है जो कि 18 डिक्रीज हुए हैं। मुंबई के टोटल बिलेनियर की वेल्थ है 445 बिलियन डॉलर। मुंबई अगर ग्लोबली देखा जाए तो थर्ड पे स्टैंड कर रहा है आफ्टर न्यूयॉर्क एंड लंदन। विच सिटी टॉप्स द लिस्ट ऑफ ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स? तो इसमें मनीला ने टॉप किया है। मनीला जो है वो फर्स्ट रैंक पे रही है क्योंकि इनका 26% का एनुअल राइज हुआ है इस क्वार्टर में। सेकेंड पे मुंबई रही है जो कि 13% का इंक्रीज देखा गया है, एंड थर्ड पे दिल्ली रही है। सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन मुंबई और दिल्ली ने ली है अमंग 44 सिटीज। और ये जो रिपोर्ट है ये एक रियल स्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक ने पब्लिश की है। विच ब्रांड हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड इन ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2024? अब वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड पूछा है ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल फूड और ड्रिंक रिपोर्ट 2024 के अनुसार। तो ये बना है अमूल वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड, जो कि फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार है।
अब अमूल ने 11% का इंक्रीज किया है ब्रांड वैल्यूएशन में फ्रॉम 2023 से देखें तो, और इसके इसे फॉलो कर रहा है हर्शेस। हर्शे सेकेंड पोजिशन पर आया है। टॉप फूड ब्रांड्स देखेंगे तो वो है अमूल एंड हर्शे। इसके अलावा नेस्ले जो है मोस्ट वैल्यूएबल फूड ब्रांड ग्लोबली बना है, जो कि 20.8 बिलियन डॉलर का है। अब सेकेंड पोजीशन पर रहा है लेस। अगर ग्लोबली देख रहे हैं तो नेस्ले है फर्स्ट पे, सेकेंड पे है लेस। और अगर नॉन और अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर में देखते हैं तो कोको कोला लीड कर रहा है, फॉलोड बाय पेप्सी। विच इंस्टीट्यूट सिक्योर द टॉप स्पॉट इन द ओवरऑल कैटेगरी ऑफ NIRF रैंकिंग? तो NIRF रैंकिंग आई है, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है ये पूछा है। तो ये किया है IIT मद्रास ने। और ये जो रैंकिंग है NIRF रैंकिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस करती है। IIT मद्रास ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पे रहा है, सेकेंड पे रहा है IISc बेंगलुरु, और थर्ड पे रहा है IIT बॉम्बे। ओवरऑल में IIT मद्रास, और देखो अलग अलग कैटेगरीज हैं उस हिसाब से मैंने टॉप पे जो भी है वो लिख दिए हैं। यूनिवर्सिटीज में IISc, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, ओपन यूनिवर्सिटी में इंदिरा गांधी ओपन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी में सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कॉलेज में टॉप किया है हिंदू कॉलेज में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने, इनोवेशन इंस्टीट्यूशंस ने किया है IIT बॉम्बे, इंजीनियरिंग में किया है IIT मद्रास, मैनेजमेंट में किया है IIM अहमदाबाद, फार्मेसी में किया है जामिया हमदर्द, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में किया है IIT रुड़की, लॉ में किया है नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, मेडिकल में किया है एम्स दिल्ली ने, और डेंटल में किया है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई। ये सारे कैटेगरीज मैंने एक साथ दे दिए हैं। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं कि कौन से, सपोज पूछते हैं कि फार्मेसी की कैटेगरी में किसने टॉप किया है, तो आपको पता होना चाहिए जामिया हमदर्द ने टॉप किया है। विच सेंट्रल बैंक टॉप्स द लिस्ट ऑफ टॉप 10 रिचेस्ट ग्लोबल सेंट्रल बैंक इन 2024? टॉप 10 रिचेस्ट ग्लोबल सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट आई है, इसमें कौन सी सेंट्रल बैंक ने टॉप किया है ये पूछा है। तो ये क्या है, फेडरल रिजर्व सिस्टम ने, जो कि यूएस से है, यूएस की सेंट्रल बैंक है। अब ये जो डेटा है ये सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, उसके हिसाब से टॉप 10 वेल्थीएस्ट सेंट्रल बैंक वर्ल्ड में कौन कौन सी है ये टेबल में लिखा है। फर्स्ट पे फेडरल रिजर्व सिस्टम, सेकेंड पे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, थर्ड पे बैंक ऑफ जापान। इंडिया की जो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी पोजीशन है 12th पोजीशन पे है ग्लोबली। विच ब्रांड कंटिन्यूज टू बी इंडिया टॉप FMCG ब्रांड? तो ये बना है पार्ले। पार्ले एक पार्ले प्रोडक्ट का ही ब्रांड है, जो कि इंडिया का टॉप FMCG ब्रांड रहा है, और ये 12 साल से टॉप पे रहा है, और ये टोटल 445 ब्रांड्स में टॉप पे रहा है। इसे फॉलो कर रहा है ब्रिटानिया, और हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो शैम्पू है क्लिनिक प्लस, ये नॉन फूड एक्सेप्शन में टॉप 5 ब्रांड्स में शामिल हुआ है। अगर हम रिपोर्ट देखें तो आउट ऑफ होम कंजम्पशन में 9 आउट ऑफ 10 ब्रांड्स जो है वो स्नैक्स प्रोडक्ट के हैं, और उसमें ब्रिटानिया लीड कर रहा है और फॉलो कर रहा है हल्दीराम, कैडबरी, बालाजी एंड पार्ले। थम्स अप मोस्ट चूजन बेवरेज ब्रांड आउटसाइड होम। थम्स अप बना है आउटसाइड होम में मोस्ट चूजन बेवरेज। हु हैज रिक्लेम द टॉप स्पॉट टू बिकम इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी इन 2023 एज पर क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023? इंडिया का टॉप वैल्यूड सेलिब्रिटी कौन रहा है ये पूछा गया है 2023 में, और ये क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट आई है 2023 की, उसके हिसाब से बताना है। तो ये रहे हैं क्रिकेटर विराट कोहली। अब इनकी जो ब्रांड वैल्यू रही है 227.9 मिलियन डॉलर की, और इन्होंने पुश कर दिया है रणवीर सिंह को सेकेंड पोजीशन पे, जो कि 203.1 मिलियन डॉलर रहा है, और थर्ड पे रहे शाहरुख खान, फोर्थ पे अक्षय अक्षय कुमार एंड फिफ्थ पे रही है आलिया भट्ट। विच ब्रांड इज इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2024? तो ये बना है टाटा ग्रुप, इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2024। देखिए फर्स्ट पे रहा है टाटा ग्रुप, सेकेंड पे इन्फोसिस, थर्ड पे HDFC ग्रुप। अब टाटा ग्रुप ने अपनी पोजीशन बनाई रखी है,
इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की, और इनकी वैल्यूएशन है 28.6 बिलियन डॉलर की। और ताज जो है वो रिमेन इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड रहा है। ताज टेलीकॉम सेक्टर में देखेंगे तो जियो, एयरटेल और वीआई टॉप पे रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी टॉप पे रहा है, एसबीआई सेकंड पे रहा है। और वेस्ट साइड जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन ब्रांड रहा है, फॉलोड बाय मदरसन एंड सोनाटा सॉफ्टवेयर। हेक्सावेयर जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है इन आईटी सर्विस सेक्टर। तो आपको सब याद रखना है, एग्जाम में कोई भी कैटेगरी पूछी जा सकती है, एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको अवेयरनेस सब चीज का होना चाहिए। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट? इंडिया की रैंक रही है थर्ड पोजिशन पे, और जो फर्स्ट पोजिशन पे है वो है यूएस, सेकेंड पे चाइना, थर्ड इंडिया, फोर्थ जापान, फिफ्थ ब्राजील। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? तो इंडिया की रैंकिंग रही है 176 पोजिशन पे, और ये आउट ऑफ 180 कंट्रीज है। इंडिया की जो पोजिशन है वो वर्ल्ड के लोएस्ट परफॉर्मर्स में से एक आ रही है। और ये जो इंडेक्स है ये प्रिपेयर किया जाता है येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा। इसमें टॉप थ्री कंट्रीज जो है वो रही है एस्टोनिया, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी। एफएटीएफ की रिपोर्ट आई है इंडिया के लिए, तो एफएटीएफ की रिपोर्ट देखते हैं कि क्या बता रही है वो इंडिया के बारे में। एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये रिसेंटली रिलीज की गई है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन इंडिया, जो कि बता रही है कि इंडिया को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में रखा गया है, और रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में इंडिया के साथ साथ चार और G20 कंट्रीज हैं, जो कि हैं यूके, फ्रांस, इटली एंड रशिया। रशिया जो कि करेंटली सस्पेंडेड है। और ये रेटिंग जो है इंडिकेट करेगी लेस स्ट्रिंजेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देन दी एनहेंस्ड फॉलोअप, मतलब जो रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी है वो ज्यादा अच्छी है, और बहुत सी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो एनहेंस्ड फॉलोअप कैटेगरी में फॉल करती है, तो इसलिए इंडिया की रैंकिंग काफी अच्छी है। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल रिलीज हुआ है, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स बना है नाइट्रस ऑक्साइड का। अब नियरली 11% जो है वो ग्लोबल मैन मेड इमिशन हुआ है 2020 में, वो इंडिया से था, और इसे टॉप किया गया था चाइना द्वारा, जिसमें 16% नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन होता है। अब ये जो मेजर इमिशन है वो कहाँ से आ रहा है? फर्टिलाइजर यूसेज से आ रहा है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल असेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन पब्लिश्ड इन, ये जो पब्लिश किया गया है जर्नल में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में, ये बता रहा है कि फर्टिलाइजर यूसेज से सबसे ज्यादा मेजर सोर्स हो रहा है इमिशन का, ये सबसे बड़ा सोर्स है नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन का। टॉप 5 कंट्रीज जो हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो इमिट कर रही है 2020 में वो कौन कौन सी, वो देखते हैं। वो है चाइना, इंडिया, यूएस, ब्राजील एंड रशिया। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आई है 2024 की, चलिए वो देखते हैं। ये रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका प्रोजेक्शन किया है कि वो पीक पे रहेगी एट 1.7 बिलियन पे इन दी अर्ली 2060s में। 2060 के अर्ली में इंडिया की जो पॉपुलेशन हो जाएगी 1.7 बिलियन हो जाएगी, और उसके बाद वो डिक्लाइन होगी 12% एज प्रेडिक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन ने प्रेडिक्ट किया है उनके वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के रिपोर्ट में। और इंडिया पूरे सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनी हुई रहेगी। इंडिया का पीक आएगा और डिक्लाइन भी होगा। अभी इंडिया जो है करंटली 1.45 बिलियन का पॉपुलेशन है इंडिया का, जो कि इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है लास्ट ईयर ही, और वो इंडिया जो है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है। चाइना की पॉपुलेशन है 1.41 बिलियन। चाइना जो है वो डिक्लाइन होने लगेगी बाय 2054 तक 1.21 बिलियन पे आ जाएगी, और धीरे धीरे 2100 तक वो जो हो जाएगी 633 मिलियन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि उनकी जो लो फर्टिलिटी रेट है अराउंड 1 बर्थ पर वुमेन, उस वजह से उनका जो पॉपुलेशन होगा वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते जाएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट आई है, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज की है
कि इंडिया जो है वो उसका जो फॉरेस्ट एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। इंडिया का फॉरेस्ट एरिया कितना हो गया है, 2,66,000 हेक्टेयर्स हो गया है, और जो कि एनुअली बढ़ा है 2010 से लेकर 2020 तक। अब ये जो पोजीशन है, इस वजह से इंडिया की थर्ड पोजीशन बनी है अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया गेन्स। अगर टॉप 10 कंट्रीज में पूछा जाए तो इंडिया थर्ड पे रहा है, और इसमें लीड कर रहा है चाइना, जो कि 19,37,000 हेक्टेयर्स है उनके पास फॉरेस्ट एरिया कवर, और ऑस्ट्रेलिया के पास है, जो ऑस्ट्रेलिया सेकंड पर रहा है उसके पास है 4,46,000 हेक्टेयर्स। और टॉप 10 में इंक्लूड है चिले, वियतनाम, टर्की, यूएस, फ्रांस, इटली एंड रोमानिया। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट आई है, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देती है, जो कि पीरियोडिक लेबर वर्कफोर्स सर्वे से हम कलेक्ट कर सकते हैं, और ये जो कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा किया जाता है। अब ये जो सर्वे पीरियड है ये जुलाई टू जून होता है एवरी ईयर। इस रिपोर्ट के अनुसार एस्टिमेटेड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है अनयूजुअल स्टेटस फॉर एज 15 ईयर्स, 15 साल के जो एज का है उसका दिया हुआ है, और अबव 15 ईयर्स और 15 ईयर प्लस के लिए दिया है ड्यूरिंग 2022-23। वो कितना था, 56% था। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना था, 56% था, जो कि अर्बन एरियाज में था, और रूरल एरियाज में 59.4% था। KLEMS, K का फुल फॉर्म है कैपिटल, L का है लेबर, E का है एनर्जी, M का मटेरियल और S का सर्विसेज। ये जो डेटाबेस है ये पब्लिश किया गया है RBI के द्वारा। इसमें बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड कैसा है इंडिया इंडिया लेवल पे, और किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है। लेटेस्ट डेटा बताता है कि जो भी प्रोविजनल एस्टिमेशन लगाए गए हैं 23-24 के लिए, एम्प्लॉयमेंट इन दी कंट्री इंक्रीज हुआ है, 64.33 करोड़ इंक्रीज हुआ है। और 23-24 से अगर कंपेयर करते हैं हम 2017 और 18 से, तो उसमें 47.5 करोड़ था, और 2023-24 में 64.33 करोड़ था। टोटल इंक्रीज हुआ है एम्प्लॉयमेंट में कितने का, 16.83 करोड़ का इंक्रीज देखा गया है। और ईपीएफओ पेरोल डेटा में भी इंक्रीज देखने मिला है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन का जो में जो एनरोलमेंट्स हुए हैं वो भी बढ़े हैं। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ये अलग अलग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने लाई है उस वजह से हुआ है। अब इसमें अलग अलग स्कीम्स जो थी वो थी, जैसे मनरेगा थी और प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, मनरेगा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये सब जो स्कीम्स थी उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ा है। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024 का अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से पर्सन को इंक्लूड किया गया है, कौन कौन से इन्फ्लुएंशियल पीपल है। अब 100 में से 15 इंडियन और इंडियन ओरिजिन के पीपल को फीचर किया गया है लिस्ट में। अब अलग अलग कैटेगरीज हैं, चलिए वो देखते हैं। टेक टाइटन्स और गवर्नमेंट लीडर, टेक टाइटन्स में सुंदर पिचाई को ने लीड किया है, जो कि CEO है ऑफ गूगल एंड अल्फाबेट के, और अश्विनी वैष्णव जो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर हैं उन्हें भी फीचर किया गया है। डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन देखें तो अनिल कपूर जो कि बॉलीवुड एक्टर है उन्हें फीचर किया है, नंदन नीलेकणी जो कि इंफोसिस के को फाउंडर है उन्हें भी इंक्लूड किया गया है। कॉर्पोरेट लीडर्स एंड इनोवेटर्स में देखें तो सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, रोहित प्रसाद हेड साइंटिस्ट है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एट अमेजोन, अरविंद श्रीनिवास ये CEO है परप्लेक्सिटी के, शिव राव को फाउंडर है CEO है अब्रिज के, अनंत विजय सिंह प्रोडक्ट लीड एट पैट्रॉन प्रोटोन इसके प्रोडक्ट लीड करते हैं वो, और वो वर्किंग क्या वर्क करते हैं, एनहांसिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इन द डिजिटल एज थ्रू AI। तो ये सबको फीचर किया गया है लिस्ट में, और भी लिस्ट है, चलिए आगे देखते हैं। थॉट लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स में किसको इंक्लूड किया है, ये किया है विनोद खोसला, अंबा काक, अमनदीप सिंह गिल।
और इमर्जिंग वॉइसेस और एस्टेब्लिश्ड एक्सपर्ट में किसे इंक्लूड किया है? ये किया है द्वारकेश पटेल, आरती प्रभाकर एंड दिव्या सिद्धार्थ। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है 2025 की, तो वो देखते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 1500 यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हुई हैं, जो कि अक्रॉस 105 हायर एजुकेशन सिस्टम से इंक्लूड की गई हैं, फीचर की गई हैं। अब इसमें देखते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर रही है एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कैम्ब्रिज यूएस में है। सेकंड पे रही है इंपीरियल कॉलेज लंदन। थर्ड पे रही है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। फोर्थ पे रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फिफ्थ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सिक्स पे स्टैनफोर्ड। सेवेंथ ETH ज्यूरिख। एट्थ पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। नाइन्थ पे रही है UCL और टेंथ पे रही है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये 13th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जिसमें MIT ने टॉप किया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और US की जो 197 इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने रैंक किया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, और उसके बाद फॉलो किया है UK ने, जिसमें 90 यूनिवर्सिटीज ने रैंक किया है, और मेनलैंड चाइना की जो है वो 71 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस रैंकिंग में शामिल हुई हैं। टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज इंडिया में जो है वो देखते हैं, जो MIT सॉरी जो QS रैंकिंग में भी शामिल हुई थी उसका रैंक था 118, वो थी IIT बॉम्बे। IIT दिल्ली का था 115। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, वो थी 211। IIT खड़गपुर थी 222। IIT मद्रास 227। IIT कानपुर 263। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 328। IIT रुड़की 335 एंड IIT गुवाहाटी 344 और अन्ना यूनिवर्सिटी 383। तो इतनी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया से जो कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल थी। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।